यीशु को बस ऐसे ही साथ देना, ऐसी ही अनुकंपा बरसाए रखना, यही हमारी आज की अनुष्ठान और आज की प्रतिज्ञा है, आज के संकल्प है। हर हर महादेव। उज्जैन का गौरव हम सबको गौरवान्वित करता है। भगवान श्री कृष्ण विद्या ग्रहण करने आए, कितनी समृद्ध संस्कृति अपनी है उज्जैन की, धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि युगों से पुष्पित और पल्लवित हो रही है। याद रखना, नोट करना, सृष्टि के प्रत्येक कल्प में उज्जैनी का अस्तित्व रहा है। स्कंद पुराण में उज्जैन के 6 कल्पों के 6 नाम दिए गए, जो कल्पवार क्रमशः कनक श्रृंगा, कुशस्थली, अवंतिका, अमरावती, चूड़ामणि और पद्मावती है। इसे उज्जैन को प्रतिकल्पा भी कहा जाता है। अन्य ग्रंथों में उज्जैनी को भोगवती, हिरण्यवती, विशाला आदि, वैशाली आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। स्कंद पुराण के आदित्य खंड में भगवान शिव अवंतिका में महाकाल वन में अधिष्ठित है। और हमारा सौभाग्य बहनों और भाइयों, महाकाल वन का विस्तार हो रहा है। मेरे बहन और भाइयों, दिल में यही संकल्प है, तीनों लोक को अलग दिशा देने वाली अपनी अवंतिका सचमुच में तीनों लोकों से निहारी। ये भाषणी अंतरात्मा बोल रही है। कई बार मुझे लगता है कि शिवराज तो केवल चमड़े का शरीर है, शायद उनके मन का भाव बोल रहा है। अपन क्या करते, करने वाले वो महाकाल महाराज, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।